कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, किस तरीके से बाजारों में कामकाज आप करके चल सकते हैं, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात करते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति रही। बीते दो दिनों में आप लोगों को मालूम है दुर्गा पूजा और दशहरे की वजह से छुट्टी का माहौल रहा, तो बाजारों में कोई खास कामकाज नहीं हुआ। लेकिन अगर विदेशी बाजारों के डेवलपमेंट की बात करी जाए तो विदेशी बाजारों में जोरदार बाजारों में उठापटक देखी गई। एक दिन पहले बाजारों में आपने देखा कि सीबॉट में जोरदार तेजी आई, KLC में भी कल जोरदार गिरावट के साथ कामकाज हुआ। सीबॉट में लगातार बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज हो रहा। एक दिन पहले लगभग 175 पॉइंट की गिरावट थी, आज भी अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 63 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। अगर देख रहे हैं अर्जेंटीना में सोया की क्रशिंग से लगातार बाजारों में गिरावट आ रही है। एक्सपोर्ट के लिए मील की भी शॉर्टेज है अमेरिका ब्राजील में, इस शॉर्टेज को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस कारण मील वायदा इस महीने में $75 की एक हल्की सी रिकवरी भी देखी गई है। पाम ऑयल की लगातार सप्लाई बढ़ने से और सन ऑयल सस्ता रहने से सोया तेल पर दबाव देखा जा सकता है। इस महीने में हाई दिसंबर वायदा अब तक 725 पॉइंट नीचे बाजारों में कामकाज कर रहा है। अगर कल सीबॉट की क्लोजिंग की बात करी जाए तो इसमें मार्च महीने के लो से के बराबर बाजारों में गिरावट आती हुई दिखाई दी है। चलिए बात कर लेते हैं पाम का उत्पादन। पाम का उत्पादन स्टॉक उम्मीद के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अमेरिका में सोया फसल की तेज रफ्तार से कटाई के कारण सोया का स्प्रेड कम हो रहा है, इसलिए KLC पर लगातार दबाव है। मलेशिया में 1 से 20 सितंबर में एक्सपोर्ट बढ़ा है, मगर सोया पाम का अंतर $100 के नीचे आने से पाम की डिमांड में और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। क्रूड ऑयल में गिरावट से आप देख के चल सकते हैं, तो जो खाद तेल है उस पर भी दबाव बन सकता है। बायोडीजल में तेलों के एक्स्ट्रा यूज की कमी होने की संभावना है, तो इसका भी हल्का फुल्का बाजारों में दबाव देखा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि सोया ऑयल का बाजार क्या रहा है। तो सोया ऑयल का बाजार कल बाजारों में अगर देखा जाए तो दो दिन पहले जो क्लोजिंग रही तो 95 रुपये का भाव रहा। पाम ऑयल का बाजार 85 रुपये, राइस ब्रैन ऑयल का बाजार 85 रुपये, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 111 रुपये, सोयाबीन का बाजार 4825 रुपये, कांडला पोर्ट पर क्रूड पाम ऑयल का बाजार 789 रुपये, फारवर्ड में 779 रुपये, पाम ऑयल 825 रुपये, सोया रिफाइंड 910 रुपये, सोया डिगम 825 रुपये, फारवर्ड में 835 रुपये, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 910 रुपये रहा। KLC जैसे कि आपको मालूम है कल गिरावट आई थी और आज भी -4 रिंगिट की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। सोया ऑयल का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपये, पाम ऑयल का सपोर्ट का लेवल 84 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 86 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 84 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 86 रुपये, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5900 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4750 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये। ओवरऑल आउटलुक में बाजारों में हल्की सी मुनाफा वसूली बाजारों में विदेशी बाजारों को देखते हुए आएगी। बाजारों में गिरावट पर आप खरीदारी करेंगे तो बेटर, आप लोगों को एक अच्छा बाउंस बैक मिलने की संभावना दीपावली से पहले आपको दिखाई देकर चल सकता है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।